बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट क्या है? सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में छोड़ने के बाद बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का क्या होता है? क्या बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़े जमीन पर आकर गिरते हैं या फिर अंतरिक्ष में रह जाते हैं? पिछली एक वीडियो में हमने बताया था कि चंद्रयान 3 जमीन से लेकर चांद तक कैसे पहुंचा और उसको चांद तक पहुंचाने में बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का कैसे इस्तेमाल किया गया। लेकिन उस वीडियो में सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा गया कि आखिर चंद्रयान 3 के बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का क्या हुआ, और इस खास चंद्रयान 3 सीरीज में हम आपके उन्हीं सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप विस्तार से। अंतरिक्ष की दुनिया रहस्यों से भरी है, तभी तो इन रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष के मिशन पर जाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2023 के अंत या 2024 के गगनयान के जरिए 3 भारतीयों को 7 दिन के लिए अंतरिक्ष यात्रा पर भेजेगा। 7 दिनों तक ये 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहेंगे। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा है, जो 23 सितंबर को 5:45 पर चांद पर जाकर लैंड करेगा। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में बताया था कि सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए सिर्फ रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट में चारों तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं, जो इसे पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में मदद करते हैं। और जैसे ही बूस्टर रॉकेट रॉकेट से अलग होता है, मेन इंजन रॉकेट का ईंधन तेजी से जलने लगता है और तेजी से बाहर निकलता है, जिसके कारण ये सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को तेजी से उसकी कक्षा तक पहुंचा पाता है। अपने ऑर्बिट के पास जैसे ही सैटेलाइट पहुंचता है, वो मेन इंजन रॉकेट से अलग हो जाता है और आगे का रास्ता खुद तय करके अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाकर धीरे धीरे रॉकेट अलग अलग टुकड़ों में टूटने लगता है। अंत में सिर्फ सैटेलाइट शेष बचता है, जो कि अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में जाकर स्थापित हो जाता है। बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट को मशीनों की सहायता से अलग किया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़े जमीन पर आकर गिरते हैं या फिर अंतरिक्ष में रह जाते हैं? बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा जाता है, वो वापस जमीन पर आकर गिरते हैं। लेकिन ये अपने आप से नहीं होता, बल्कि वैज्ञानिकों का इस पर कंट्रोल होता है। बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को वैज्ञानिक पैराशूट के माध्यम से समुद्र में गिराया जाता है और इसको नष्ट कर दिया जाता है। कुछ बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट इनमें से दोबारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनमें जरूरी बदलाव जरूरत के अनुसार कर दिए जाते हैं। इनको रीयूजेबल रॉकेट कहते हैं। भारत के चंद्रयान 3 के बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट को पैराशूट के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिराया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को अंतरिक्ष में क्यों नहीं छोड़ा जाता? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। अगर बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाएगा, तो वहां बहुत कचरा फैल जाएगा, जिससे ये बाकी सैटेलाइट और यान से टकराने का खतरा बढ़ जाएगा, जिस वजह से बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को अंतरिक्ष में नहीं छोड़ा जाता है। अब उस सवाल का जवाब जो आपके मन में आया होगा, बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को समुन्द्र में ही क्यों गिराया जाता है? अगर बूस्टर रॉकेट के टुकड़ों को ऐसे ही जमीन पर गिरने के लिए छोड़ दें,
तो वो अगर जमीन के ऐसे हिस्से पर गिर गया जहां लोग रहते हैं तो काफी जान माल का नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट के टुकड़ों को समुन्दर में ही गिराया जाता है। कल हमने बताया था इंसान को चांद पर कैसे ले जाया जाता है, आज इस वीडियो में बताया कि बूस्टर रॉकेट और मेन इंजन रॉकेट का क्या होता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि चांद से कैसे वापस आता है इंसान। कल रात 8 बजे इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो आ रहा है, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें